गुड मॉर्निंग, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल मिस ज्योति क्लास में। जी आज डे है संडे और 10:30 बज गए हैं और इसको देखो, इसकी मस्ती चेरी मेरे पास में खेल रहा है और मैं बना रही हूँ खाना। खाने के लिए मैंने सारी तैयारी करके रख दी है। मैं बना रही हूँ कड़ी एंड मक्की की रोटी। आटा वो भी लेने गए हैं, अगर मिल जाएगा मार्केट में तो मक्की की रोटी बनेगी। और ठंड तो इतनी जोरों से बढ़ गई है, इतनी जोरों से बढ़ गई है कि पता नहीं क्या हो रहा है। मतलब घर से बाहर निकलो फिर भी ठंड है, अंदर आओ तो भी ठंड है, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन आपके साथ। कैसा रहेगा दिन वो तो मुझे भी नहीं पता है, तो जैसा भी रहेगा वीडियो में बने रहिए आगे तक। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो जी यहाँ बना रही हूँ मैं कड़ी। कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले रखते हैं तेल। तेल तो रखना ही पड़ता है, तेल के बिना कड़ी कैसे बनेगी। तो तेल रखने के बाद मैं राई, जीरा, हींग और कड़ी पत्ते डाल दिए मैंने। कड़ी पत्ते डालने के बाद लहसुन, मिर्ची और प्याज, हाँ एक प्याज भी पीसा था मैंने, तो बस वही मसाला डाल दिया है। और वो सिकने के बाद मैंने टमाटर डाले, क्योंकि टमाटर मेरे हस्बैंड जी को कड़ी भी बहुत ही पसंद है, पता नहीं इनको क्या है। और इनके साथ रह रहकर मेरी भी आदत हो ही गई है कि हाँ टमाटर डालना कड़ी में। और वो पक गए, उसके बाद में सारे मसाले मैं कड़ी में ही, मतलब बेसन में ही घोल देती हूँ। और उसके बाद बना दी मैंने कड़ी और उसको खिलाते रहो, बन गई है कड़ी रेडी। कड़ी भी बन गई, रोटियाँ भी बन गई। आ जाओ जिसको खानी हो हमारे साथ। हेलो जी, राधे राधे, गुड इवनिंग। तो अभी टाइम हो रहा है 2 बज गए होंगे, 2 से ज़्यादा ही हुए होंगे। क्यों रे चेरी, चेरी टाइम बता दो, किट्टू सो गया आज संडे, संडे की छुट्टी है तो किट्टू को सुला दिया है। और मैंने खाना बनाया, खाना खाया, उसके बाद कोई वीडियो शूट ही नहीं कर पाई क्योंकि जब संडे है तो दोनों बच्चे घर पर है, तो आपको पता ही है पॉसिबल कुछ भी नहीं हो पाता है। और आज स्पेशल होने वाला है, कुछ खास होने वाला है व्लॉग में। मतलब मैं पहले बोल तो दूँ, मेरे से रहवाएगा नहीं लेकिन अगर मैंने पहले बोल दिया और नहीं हुआ वो तो मेरा पोपट बन जाएगा, तो इसीलिए मैं नहीं बोलना चाहती हूँ कि क्या स्पेशल होने वाला है। लेकिन 2 चीज़ें आपको स्पेशल दिखने को मिलेगी, अब वो क्या है बोल देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, नहीं बोलो, चलिए बोल देते क्या स्पेशल चीज़ें, क्या है ये बोल रहा है, इसकी भाषा समझ जाओ आप, बोल दे। ठंड इतनी लग रही है, मतलब अंदर ठंड इतनी लग रही है कि मतलब ऐसी इच्छा हो रही है धूप में जाके बैठो। तो किट्टू को मैंने सुला दिया, उसको उड़ा के अब आई हूँ मैं ऊपर। ऊपर लगाऊंगी यहाँ पोछा और मशीन में कपड़े डाल रखे हैं, 5-6 मिनट और टाइम है तो ये सूख जाएंगे, मतलब ये धुल जाएंगे, तो उसके बाद मुझे डालने हैं कपड़े। और आपको एक चीज़ दिखानी है, वो दिखिए, वो दिख रही है ना आपको, वो पड़ी वो रोड के उस पार, वो हमारी कार है लेकिन बेचारी टूट फूट गई है, टूटी फूटी नहीं है, बहुत पुरानी हो गई है, पुरानी ली थी हमने, ये देखिए। तो वो पड़ी पड़ी ऐसे ही धूल खा रही है। तो जी आप सोच रहे होंगे कि ये टूटी फूटी कार क्यों दिखा रही है, तो ये कार हमारी है, जब हमें बच्चों की वजह से ज़रूरत थी तो हमने सेकेंड हैंड ली थी, लेकिन अब इसको है ना बार बार ठीक करा करा के मेरा मन भर गया। एक तो मैं हस्बैंड जी को बोल रही हूँ नहीं ले लो, तो वही मैं बोल रही हूँ आपको कि इंसान की इच्छा कभी ख़त्म नहीं होती, जब हमारे एक इच्छा पूरी कर देता ना भगवान तो दूसरी इच्छा जाग जाती है, अगर वो भी पूरी हो जाए तो तीसरी इच्छा जाग जाती है। तो हमेशा ऐसा ही होता है, जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे तो हमारे पास खुद का मकान नहीं था, तो मैं भगवान से बस यही प्रार्थना करती थी कि हमारा एक घर हो जाए, मतलब खुद का एक घर बन जाए। तो अब भगवान ने अगर वो पूरा कर दिया तो अब दूसरी इच्छा जाग गई कि कार हो जाए, तो कार ली भी सरी हमने लेकिन सेकेंड हैंड ली, तो अब इच्छा वापस हो रही है कि नई कार ले लो। तो वही मैं बोल रही हूँ, इच्छा भगवान भले अपने को कितना भी दे दे, अपने को उम्मीद से ज़्यादा दे दे, लेकिन फिर भी अपनी इच्छा है कि कभी ख़त्म ही नहीं होती है। किट्टू सोया है, मुझे तो कम भूख लग रही है लेकिन चेरी को भूख लग रही है क्योंकि आज उसके लिए कुछ नहीं बनाया है, तो देख रही उसके लिए क्या बनूँ, तो उसके लिए कुछ बनाना पड़ेगा। तो चलिए बनाते हैं, फिर खाते हैं आप और हम साथ में। सुबह सुबह मैंने कड़ी और मक्की की रोटी बनाई थी तो बच्चों दोनों ने ही नहीं खाई, खाना ही नहीं खाया, बस ऐसे ही बिस्किट बिस्किट ही खा रहे थे। तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो थोड़ी बहुत पकौड़ी निकाल देती हूँ इनके लिए, ज़्यादा तो नहीं निकालूंगी लेकिन एक आलू की निकालूंगी इनके लिए और थोड़े से मटर के दाने भी छील दिए ताकि थोड़ी बहुत मेरे लिए भी बना दूंगी तीखी। बच्चों के लिए तो मैं बिल्कुल ही फीकी बनाती हूँ तो वो हमसे नहीं खवा पाती है,
थोड़ी सी तीखी बना दूंगी तो वो मैं खा लूंगी, और फीकी बनाऊंगी तो ये खाएंगे। और इनके पकौड़ी में ना मैं मिर्ची डालती हूँ, हरी मिर्ची ना लाल मिर्ची डालती हूँ, बस काली मिर्च डाल देती हूँ। और हाँ, हींग जरूर डालती हूँ ताकि पचावट अच्छे से हो जाए बच्चों के लिए। और चलिए बना लेते हैं बच्चों के लिए पकौड़ियाँ। और ये पकौड़ी बनाने और बच्चों को खाने के बाद में हम चलेंगे अब हमारे ससुराल, तो उसी के लिए मुझे करनी है पैकिंग फटाफट फटाफट। तो वो मैं वीडियो में नहीं लाऊंगी क्योंकि आप ही सोचते होंगे क्या हर बार पैकिंग करती है अनपैकिंग करती है, तो इसीलिए मैंने पैकिंग का वीडियो नहीं बनाया है। चलिए अब चलते हैं। चल ना यहाँ खाना खाएंगे उतर के। क्या हो गया खाना? चल खाना नहीं खाना है, फिर चल रहे खाना खा ले, अंदर ही रहे, अंदर ही रहने दो, हम जा रहे बाहर। तो तू नहीं आ रहा, फिर ये क्या बात हुई तेरी? चला चल के आराम से आओ, चला जा। वो ये क्या कर रहा है? ये लग नहीं जाए तेरे ना, बस आज ये अपनी कार है अपनी अपनी। और हम यहाँ पहुँचे हैं खाना खाने। क्या खाना खाएंगे या क्या कहेंगे? हाँ तेरे को चीज़ें दिख गई नहीं, अच्छी अच्छी चीज़ें अंदर भी है। चलो अच्छी अच्छी चीज़ें अंदर क्या है, अच्छी अच्छी इधर देख। ससुर की सब्जी, ससुर की सब्जी, सरसों की साग ना मक्के की रोटी नहीं, मक्की की रोटी सुबह तक खाई है। खाने हिसाब से देख लो, खाने हिसाब से बोलो खाना आपने खाना। मैं तो भूख नहीं, मैं तो पकौड़ी वकौड़ी में खाई रही, कम भूख है मेरे को तो, कम खाना खाना है। किटू इधर दे, नहीं उसमें से ऑर्डर करेंगे। तेरे पापा को खाना है, घर पर खाना बनाया नहीं मम्मा ने देखो। लो सुनियो क्या बोल रहा है रे, वापिस बोल दो, क्या बोल रहा था वापिस बोल दो। तूने खाना, तूने खाना क्यों नहीं मंगाया? गजब है यार, नहीं बनाए ऐसे इच्छा हो गई मेरी खाना नहीं बनाने की। ने मेरे लिए बनाया वेज नूडल्स और इनके लिए पनीर, शाही पनीर कढ़ाई पनीर है। ये आ गया मेरा हक्का दी वेज नूडल्स, हक्का नूडल्स नहीं वेज नूडल्स, ये खाई मैं। टाइम कहीं बजे होगा कहीं मालूम? 9 बजे, 9:30 टाइम हो गया 9 और अभी तक नहीं गए हैं हम। खाना खाया हमने यहाँ, नाम तो देखने का जैन फैमिली रेस्टोरेंट। हाँ मैं खोल रही हूँ, मैं खोल रही हूँ, रुक। अंदर अंदर तो बोलो।